ये तस्वीरें आप स्पेन से देख रहे हैं, जहां भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को रिसीव कर रहे हैं। और इसे रिसीव करने के बाद सबसे पहले वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी ने इसे उड़ाया भी। भारतीय सेना का पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन रिसीव कर लिया गया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ली है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही मील का पत्थर नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। पहला इस वजह से क्योंकि इससे देश की टेक्टिकल क्षमताएं बढ़ेंगी, दूसरा ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। यहाँ से नए दौर की शुरुआत हो रही है। 16 विमान स्पेन में बनेंगे, लेकिन 17वां भारत में बनाया जाएगा। ये भारतीय एविएशन उद्योग के लिए बड़ी बात है। इस विमान की खासियत की बात करें तो इसे 2 लोगों का क्रू उड़ाता है। इसकी क्षमता 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मिडबैक या 27 स्ट्रेचर मिडबैक के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट ले जा सकता है। इसमें अधिकतम वजन उठाने की क्षमता 9,250 किलो है। इसका रेंज 1,277 से 4,587 किलोमीटर तक है, जो कि वजन के आधार पर तय होता है। वहीं गति की बात करें तो यह अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम ऊंचाई 13,533 फीट तक ही जा सकता है। विंग स्पेन 84.8 फीट, लंबाई 80.3 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट। फ्यूल क्षमता की बात करें तो ये 7,650 लीटर तक ईंधन अपने में भर सकता है। इसके और भी कई उपलब्धियां हैं, जिसमें इसे टेक ऑफ करने के लिए महज 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई वाला रनवे चाहिए, उतरने के लिए सिर्फ 420 मीटर का रनवे चाहिए। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हथियार और बचाव प्रणाली लगाने की जगह है। दोनों विंग्स के नीचे 3-3 या फिर इनबोर्ड पाइलंस हो सकते हैं, जिसमें 800 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है, ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसमें C-295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोस विमानों की जगह लेगा। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 को भी बदला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।